आखिर इंडियन आर्मी अपने साथ हमेशा पेंसिल शार्पनर क्यों रखती है, और इंडिया की एक ऐसी जॉब जो आपको एक दिन में 3 लाख रुपए कमा कर देती है, और चाइना के लोग आखिर छाता लेकर क्यों सो रहे हैं? साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इस कॉलेज के बच्चे क्लासरूम में हेलमेट लगाकर क्यों पढ़ते हैं? तो गाइस, आज की भी वीडियो चटक और मसालेदार फैक्ट से भरी होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्या मतलब कि लाइक अभी तक किया नहीं, करो यार, तो आगे बढ़ू मैं। गाइज, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप ऐसी वायरल हो रही है जिसे देखने के बाद आप भी चाय के संग टोस्ट खाना ठीक वैसे ही भूल जाएंगे जैसे राहुल बाबा कभी कभी स्टेज पर अपने भाषण भूल जाते हैं। गाइज, इस वीडियो क्लिप में यह दिखाया जा रहा है कि एक टोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वर्कर टोस्ट को पैक करने से पहले उसे अपने पैरों से रब करते हैं, साथ ही साथ उस पर ही अपनी जुबान केसरी लगाकर उसे काफी ज्यादा अनहाइजेनिक भी बना देते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भले ये चीज वायरल आज हो रही हो, लेकिन ये वीडियो क्लिप आज से 2 साल पुरानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भैया कि आज ये चीज होती नहीं है। असल में गाइस, इंडिया में आज की डेट में भी हमें अक्सर बहुत सी ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं जहां पर बेहद ही अनहाइजीनिक और गंदे तरीके से इन तरीके की कुकीज या फिर टोस्ट को बनाया जाता है। गाइस, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल आप खाने के लिए करते हैं तो जरा उसके ब्रांड पर भी नजर डाल लें, और अगर आपको उसकी ब्रांड की डिटेल ज्यादा नहीं मिले तो उसे ठीक वैसे ही दूरी बना लें जैसे भीड़ में ऋतिक भैया। गाइज, अगर इंडिया में किसी इंसान की सिर्फ 30,000 रुपए की ही जॉब लग जाती है तभी वो पूरे मोहल्ले में अलग अलग जानवरों के ऊपर बैठकर कतई बावला होकर इधर से उधर घूमता फिरता है। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश भारत में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है जो कि एक दिन के 3 लाख रुपए पे करती है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? भैया, फिर तो इस जानवर की जगह सांडवांडी मंगवाना पड़ेगा घूमने के लिए। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पाषाण युग से चलती आ रही कंपनी ब्रिटानिया की, जो कि अपने एक नए प्रोडक्ट क्वासोंग को लोगों को सही प्रोनाउंस कराने के लिए ही 3 लाख रुपए पर डे की इंटर्नशिप पर लोगों को हायर कर रही है। अबे, इससे बढ़िया तो इंडिया में इसका नाम बदल के चॉकलेट वाली गुजिया रख लो। अबे साले, लो बच गए 3 लाख रुपए। कमाल करते हो पांडे जी यार तुम भी। गाइस, जहां एक तरफ हमारे हनी पाजी कमबैक करने के लिए हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर से स्टील का ये झुंझुना कमबैक कर चुका है, और वो भी पूरे स्वैग के साथ। असल में गाइस, अभी हाल ही में एक बार फिर से 10 फीट लंबा स्टील का ये मोनोलिथ यूके के वेल्स में स्पॉट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2020 और साल 2021 में भी यही सेम स्टील मोनोलिथ टर्की, उथा और कैलिफोर्निया में भी अलग अलग जगहों पर पाया गया था। हालांकि साल 2021 के बाद से पूरी तरीके से गायब हो गया था, शायद कोविड वोविड हो गया अपने भाई को। लेकिन साल 2024 में इसने दोबारा से एंट्री ले ली है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत से लोगों का अभी यह मानना है कि मे बी ये कोई टाइम ट्रेवल की फ्यूचरिस्टिक मशीन हो सकती है, या फिर कोई ऐसा अजीब सा एयरक्राफ्ट जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। बस वो तो शुक्र इस बात का है कि स्टील का झुंझुना हमें बिहार में देखने को नहीं मिलता, वरना भैया न्यूज में आने से पहले ना स्टील के भाव कब बिक जाता पता तक ना चलता। तो गाइस, ये वाला फैक्ट सुनकर आपकी भी छाती शादी में रूठे हुए फूफा की तरह थोड़ी सी फूल जाएगी, क्योंकि गाइस अभी हाल ही में हमारे देश भारत में सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो को कोलकाता में इनॉग्रेट कर दिया गया है, और यह भारत की सबसे पहली ऐसी मेट्रो है जो कि हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की डिस्टेंस को कवर कुछ इस तरीके से करती है, जिसके कुछ बेहद ही ऑसम से विजुअल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। सच में दमदार, जय हिंद। गाइस, ये देखकर शायद आप भी फोड़ लेंगे अपना माथा, लेकिन चाइनीज आज की डेट में लेकर सो रहे हैं जिंदा छाता, खाओ मां कसम। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में बहुत से चाइनीज को ना चाहते हुए भी छाता लेकर सोना पड़ रहा है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनके शो ऑफ की वजह से हुआ है। असल में गाइस, बाकी कंट्रीज की तरह चाइना भी समाज में अपने रौले को बनाए रखने के लिए जय लंबी लंबी बिल्डिंग्स को बनाए चले जा रहा था, लेकिन प्रेजेंट डेट में इन तरीके की बिल्डिंग्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेम्परेचर चेंज को लेकर हो रही है। असल में गाइस, क्योंकि इन बिल्डिंग्स की हाइट काफी ज्यादा होती है, तो सर्दियों के सीजन में इन बिल्डिंग्स की ऊपरी फ्लोर इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि वहां पर लिटरली बर्फ जम जाती है, जिसके चलते हुए जब ये बर्फ पिघलना शुरू करती है तो लोगों के घरों में बिन मौसम के बरसात होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में ये फ्लोर्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि यहाँ पर इंसान तो छोड़िए, नॉर्मल फूड भी कुछ देर रखने के बाद गर्म होकर खुद से ही पक जाता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में चाइना के लोग इन बिल्डिंग से ठीक वैसी ही दूरी बना रहे हैं जैसे आजकल समझदार लोग केकड़ों से बना रहे हैं। और गाइस, यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में इंडिया समेत बहुत सी कंट्रीज अब इन तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट को पूरे ही तरीके से बंद कर रही हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस, आपने भी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में आड़े तिरछे कपड़े और गैजेट्स पहनकर बैठता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि क्लासरूम में हेलमेट पहनकर कौन बैठता है यार? मैं सही कह रहा हूँ, चालान की पेनल्टी कम करा दो, या आधे से ज्यादा आबादी सड़कों पर हेलमेट ना पहने,
तुम क्लासरूम में पहने हुए हो? असल में गाइस ये प्रोटेक्शन से लवरेज रिपोर्ट निकल कर आ रही है जमशेदपुर के मानगो के वर्कर कॉलेज से, जहां पर स्टूडेंट्स क्लास के अंदर कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से सिर्फ हेलमेट पहनकर ही क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये जेड प्लस सिक्योरिटी वाला काम वहां पर हो ही क्यों रहा है? असल में गाइस इस कॉलेज की बिल्डिंग की हालत ठीक कांग्रेस पार्टी की तरह हो चुकी है, जो देश में चल तो रही है लेकिन वो कब गिर जाए किसी को नहीं पता। लेकिन बावजूद इसके भी वहां की गवर्नमेंट और कॉलेज के अधिकारी जब इस चीज के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इन बेचारे बच्चों पर क्लासरूम में हेलमेट पहनकर अपना कोर्स पूरा करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। लेकिन आप में से 35% लोगों के पास ऑप्शन बचा है। जो लोग इस चैनल की वीडियो देखकर मजे तो पूरा उठाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो देर किस बात की भाई और बहनों, तुरंत ही फिरा दे सब्सक्राइब के ऊपर अपनी उंगली और दबा दे उस बेल आइकन को। और हम तो ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने हेलमेट पहना है या फिर ना पहना। गाइस आलिया भट्ट, लेडी गागा, आनंद महिंद्रा, विराट कोहली, स्टीव जॉब्स और बहुत से सक्सेसफुल इंसानों में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि हर रोज सुबह उठने के बाद 2 मिनट खुद से ही मिरर में बातें करते हैं। पर क्यों? क्या इस पापी दुनिया में इन बेचारों से बात करने वाला कोई और इंसान बचा ही नहीं? असल में गाइस इस चीज को मिरर टॉकिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैसे ही आप सुबह सोकर उठकर मिरर में खुद को देखकर पॉजिटिव और एनर्जेटिक बातें करते हैं, तो ये चीज सीधा का सीधा आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के लिए नए पाथवे को बनाना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए सुबह सुबह आप मिरर में जिस तरीके की बातें करते हैं, ना सिर्फ आपका माइंडसेट उसी तरीके का होता हुआ चला जाता है बल्कि आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली उसी चीज की एनर्जी को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना भी शुरू कर देता है। और बाय द वे ये चीज पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप भी अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सुबह सोकर उठकर अपने फोन में रील्स में आड़ी तिरछी शक्लों की बजाय अपनी खूबसूरत शक्ल को देखकर उससे बातें करना शुरू करें। गाइस आपने भी बड़े बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से अर्थ से दूसरे प्लैनेट्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने दूसरे प्लैनेट से हमारी अर्थ को देखा है? नहीं तो चलिए आज ये औंधा यानी कि उल्टा काम भी कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले तो ये देखिए, मून से हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसके बाद बात अगर मार्स की जाए, तो मार्स से हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की काफी ज्यादा छोटी सी दिखाई देती है। तो वहीं अगर सैटर्न से हमारी अर्थ को देखा जाए, तो वो कुछ इस तरीके की बेहद ही ऑसम सी दिखाई देती है। तो वहीं दोस्तों बात अब अगर वॉयजर 1 से क्लिक की गई इस इमेज की जाए, तो इसमें ये छोटा सा डॉट हमारी अर्थ है, जिसे 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से क्लिक किया गया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस अनंत ब्रह्मांड में हम सिर्फ एक छोटे डॉट के बराबर हैं, तो काय का घमंड है हम इंसानों को। गाइस प्रेजेंट डेट में पूरी ताकत लगाने के बाद जितनी कंट्रोवर्सीज तो यूट्यूबर्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तो कंट्रोवर्सी चाइना एक जगह खड़ा होकर क्रिएट कर देता है, क्योंकि भैया वो कड़ाई दूसरी कंट्री की जमीन पर होता है और कहता है ये हमारी है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरी कंट्री को घपचाने का ये काम चाइना से कहीं ज्यादा तो यूके ने किया है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन दूसरी कंट्रीज पर अपना हक जमाना या फिर उसको हत्याने का ट्राई करने में यूके चीन के भी पप्पा हैं, और इस बात का अंदाज आप इस मैप को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें आपको जो भी कंट्रीज रेड कलर की दिख रही है, या तो ब्रिटिशर्स ने उन कंट्री के ऊपर हुकूमत की है या फिर उन्हें घपचाने का पूरा ट्राई किया है। और कहीं ना कहीं ये चीज हमें ये दिखाती है कि पास्ट में ब्रिटिशर्स कितने ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि प्रेजेंट डेट में ईस्ट इंडिया का मालिक भी एक भारतीय है। गाइस अभी तक तो सिर्फ हम इंडियंस ही रूस जाने के पीछे बावड़े हुए फिरते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इस पापी दुनिया में आ गया है एक ऐसा खोट, जिसकी वजह से केरल में डल रहे हैं रूस के राष्ट्रपति के वोट। अबे ये रूस के इलेक्शन के बीच केरल कहां से आ गया? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इंडिया में सबसे पहली बार रूस के राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग केरल में की जा रही है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में रशियंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते हुए इंडिया में भी अब रशिया के राष्ट्रपति की वोटिंग को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज भाइयों, अगर पैसे की कमी से आप रशिया नहीं जा पा रहे हैं, तो आप केरल की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं भाइयों और बहनों। गाइस जब भी लोग बावले होकर किसी भी प्रोडक्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी कंपनीज को भी उन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वही बात अगर अमेज़न की जाए, तो अमेज़न को तो अपने एक बेहद ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को ना चाहते हुए भी बंद करना पड़ा था। पर क्यों? असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ Amazon डैश बटन्स की, जिनको की शुरुआती दौर में Amazon ने फॉरेन कंट्रीज में मैन्युफैक्चर किया था। बेसिकली ये एक तरीके की छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ करती थी, जिसके ऊपर आपको अलग अलग ब्रांड्स के स्टिकर देखने को मिलते थे। आप किसी भी सिचुएशन में मान लीजिए कि आपका टाइड सर्फ खत्म हो गया है, तो आपको दोबारा से मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करके उसे बुक नहीं करना पड़ता था। आप सिंपली टाइड के इस डैश बटन को क्लिक करते थे और वो प्रोडक्ट कुछ ही घंटों में आपके घर डिलीवर कर दिया जाता था। लेकिन गाइस जैसे जैसे Amazon के ऊपर कस्टमर बढ़ने
लगे हर एक प्रोडक्ट के लिए डैश बटन बनाना अमेज़न के लिए सिरदर्दी बन गया। साथ ही साथ इतने प्रोडक्ट्स को एक झटके में मैनेज करना भी अमेज़न के बस में नहीं रहा और एज अ रिजल्ट ना चाहते हुए भी अमेज़न को इस डैश बटन को बंद करना पड़ा। हालांकि ये अमेज़न की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी रहा है। अजीब लेकिन सच। गाइस क्या आपको पता है कि BCCI लेजेंड विराट कोहली को इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ठीक वैसे ही इग्नोर कर रहा है जैसे कि अंबानी जी ने अपनी लल्ला की प्री वेडिंग में रेखा जी को इग्नोर किया था। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में एक रिपोर्ट इंटरनेट पर रायती की तरह फैल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली कंट्रीज वेस्ट इंडीज और USA की पिच काफी ज्यादा स्लो है तो वो कोहली के प्लेइंग स्टाइल को मैच नहीं करती, जिसके चलते हुए कोहली की जगह किसी यंग टैलेंट को वर्ल्ड कप में मौका दिया जा सकता है। साथ ही साथ उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अगर इस साल IPL में कोहली का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहता है तब भी उस केस में उन्हें T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में कोहली खेलने चाहिए या फिर नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को दीजिएगा जरूर। गाइस हमारे गली मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स हमें काटने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जितने तो हम लड़के गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं रहते। हालांकि दोनों सिचुएशन में जब कटता है तो दर्द बराबर ही होता है। अब गाइस देखो गर्लफ्रेंड रूपी बीमारी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हां इन स्ट्रीट डॉग्स का सॉल्यूशन निकाला है केरला हाई कोर्ट ने। असल में गाइस साल 2022 के कंपैरिजन में साल 2023 में आवारा कुत्तों के लोगों के काटने के केसेस में 25% का इजाफा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी रिपोर्ट से बात भी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि सिर्फ इन्हीं आवारा डॉग्स की वजह से बहुत से मासूमों को और बहुत से लोगों को हर साल इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय करना पड़ता है, जिसके चलते हुए केरला हाई कोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट को एक ऐसे नियम को लागू करना चाहिए जिसके तहत अगर आपको किसी भी स्ट्रीट डॉग को कुछ भी खिलाना है तो उससे पहले आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है ताकि इन केस अगर इन तरीके के डॉग्स किसी भी लोगों को काटकर इंजर्ड कर देते हैं तो एक्चुअली में प्रशासन को ये पता हो कि उन्हें घबचाना किन लोगों को है, क्योंकि हाई कोर्ट के अनुसार बड़े बड़े रईस ज्यादा अक्सर गाड़ियों में आकर इन डॉग्स को हर रोज भरपेट खाना खिला देते हैं जिसके चलते हुए डॉग्स उन इलाकों पर अपना हक जताने लगते हैं और बहुत सी बार तो एग्रेसिव ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि सिर्फ इसी वजह से अक्सर लोगों और बहुत से मासूमों को काट कर उनका हाल बेहाल कर देते हैं। शायद इसलिए आगे आने वाले समय में आपको हमारे देश में इन तरीके के लाइसेंस भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे मैं क्या कह रहा था, मालिक जब इतना करा ही रहे हो तो इन बेचारों को पकड़कर एक अच्छे से शेल्टर में ही भिजवा दो जहां पर डॉक्यूमेंट्स में नहीं लेकिन हकीकत में इन बेजुबानों को टाइम से खाना मिल सके। वेल सॉल्यूशन तो एक ये भी है, हमारी साइड भी सुन लो। गाइस एक मछली पानी में गई छपाक, तक तो ठीक था लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि एक जिंदा टैंक पानी में छपाकड़ा करके कौन डालता है यार। असल में गाइस आप भी जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी देशों की सीमा के अंदर आने वाले समुद्र की गहराइयों में आपको मछलियों से कहीं ज्यादा तो कुछ इस तरीके के लोहे के बड़े बड़े मछले तैरते हुए नजर आएंगे। पर क्यों गाइस? नॉर्मली जब भी कोई भी बड़े टैंक या फिर बड़ी बड़ी आर्मी मशीन्स को डिसकमीशन किया जाता है तो उस केस में इनके अंदर के पार्ट्स निकालकर उनको ठीक करके दूसरे में लगाना काफी ज्यादा खर्चीला होता है। साथ ही साथ क्योंकि इनकी मेटल भी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी होती है तो उसको भी दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी देश इन तरीके के टैंक्स या फिर बड़ी बड़ी मशीन्स को समुद्र में ठीक वैसे ही डुबा देते हैं जैसे व्यूज के चलते हुए पुनीत भाई खुद को नाले में डुबाते फिरते हैं। आखिर इंडियन आर्मी अपने साथ पेंसिल शार्पनर क्यों रखती है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन हमारी इंडियन आर्मी अपने साथ एक से एक जबर हथियार रखने के साथ साथ कुछ इस तरीके का एक सिंपल सा पेंसिल शार्पनर भी रखती है। नहीं, दुश्मनों की छीलने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान को बचाने के लिए। अब आखिर ये सिंपल सा पेंसिल शार्पनर एक जवान की जान कैसे बचाता है, चलिए वो जानते हैं। असल में गाइस कभी कभी किसी वॉर सिचुएशन या फिर नॉर्मली भी हमारे देश के जवानों को बहुत सी ऐसी जगह पर देश की सुरक्षा करने के लिए पेट्रोलिंग करनी पड़ती है जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा होता है। अब क्योंकि उस सिचुएशन में आग जलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है तो उसके लिए हमारे जवान पेंसिल जैसी एक पतली स्टिक को इसी शार्पनर की हेल्प से छील कर उसके छिलकों में आसानी से आग लगा देते हैं, जिसकी मदद से वो बेहद ही आसानी से खुद को गर्म रखने के साथ साथ फूड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब गाइस क्योंकि इन जगहों पर किसी भी तरीके का ऑयल रखना ना सिर्फ काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है तो इसलिए भी हर एक आर्मी सोल्जर जब किसी भी वॉर में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर तैनात किया जाता है तो उसके पास हथियारों के साथ साथ कुछ इस तरीके का शार्पनर भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। वैसे ये दुश्मनों की छीलने वाला आइडिया भी कुछ बुरा तो ना था। बात सही है। तो गाइस अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।